प्रदेश के 720 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन के द्वारा लैब क्रिएटिव के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके संबंध में आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन ने बताया कि वहां पर एक लैब क्रिएटिव लर्निंग चलाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि आजकल के पाठ्यक्रम जो काम हाथों से नहीं होता और रट के एग्जाम पास कर लेते हैं, इसलिए हम लोगों के द्वारा छात्रों के लिए ऐसा खिलौना बनाया जा रहा है जिससे ज्यादा खर्चा नहीं लगता, उनको समझकर बनाकर बच्चों को खुशी मिलती है, ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाई में भी शामिल हो, इसलिए हमारा प्रयास है कि यह कार्य अध्यापक के साथ मिलकर जब बच्चे खुद करेंगे तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य सफल होगा। जिसको देखते हुए यूपी के 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में यह प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें विद्यालय की 70,000 बच्चियां ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि यूपी के सभी स्कूल में यह प्रोग्राम लागू हो, जिससे कि बच्चों को अलग सीखने को मिले। उन्होंने कहा, यह प्रोग्राम हिंदी में चल रहा है तथा जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से जिले के सभी परिषदीय विद्यालय के बच्चों को इस प्रोग्राम का लाभ मिलेगा। वहीं इस संबंध में जिला समन्वयक अधिकारी विवेक जायसवाल ने बताया कि यह प्रोग्राम जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 20 विद्यालय में चल रहा है तथा जल्द ही परिषदीय विद्यालय में भी यह प्रोग्राम चलेगा, जिससे यहाँ के बच्चों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन, जिला समन्वयक अधिकारी विवेक जायसवाल ने कहा, वहां पर पिछले एक महीने से प्रोग्राम चल रहा है, हर हफ्ते में 2 बार ऑनलाइन क्लास होती है। हमने सोचा था पता नहीं कौन वहां पर आएगा, और जो बच्चियों की रुचि वहां पर देखी वो काबिले तारीफ थी। कोई सामान नहीं पहुंचा, बच्चियों ने खुद निकालकर हजारों खिलौने बनाए। ये 2 का पहाड़ा है और इसके लिए कोई साधारण सा, ये 2 का पहाड़ा है। इसमें एक गत्ते के ऊपर 1 से लेकर 100 तक अंक लिख दिए, 1 को 2 से जोड़ा, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8 से, 5 से 10 से, ये 2 का पहाड़ा, बच्चे 2 का पहाड़ा इस तरह पढ़ के समझ सकते हैं और आगरणी आगे की कक्षाओं में इसके पीछे के सिद्धांत को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये 3 तक क्यों रुके, ये 4 का पहाड़ा है और 4 तक क्यों रुकेंगे, अब इस तरह से आप पैटर्न देख सकते हैं। इसमें 1 ये दिल की शेप है, इसमें 2 ये किडनी की शेप बन गई, 2 गुर्दे जो हमारे होते हैं, ये 2 इधर नोट्स आ गए, इसमें 3 आ गए हैं, आगे चलकर अपने आप सोच सकते हैं। इसमें सिर्फ अंक जोड़ दिए तो ये गोला बन जाता है, जितने बड़े बड़े अंक जोड़ेंगे उतना छोटा गोला होगा, छोटे नम अंक जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। साधारण कागज और धागे से जोड़कर इसके अंदर एक हमने साइकिल की स्पोक लगाई, ऊपर 2 चुंबक लगाई, और जब इसको घुमाते हैं तो ये चरखा कपड़े की जगह बत्ती बुनता है। अब कल्पना करिए, हमारे बच्चे जब अपने स्कूल में ये चीज़ें बनाकर बत्ती जलाएंगे तो दिमाग की बत्ती तो जलेगी, गाँव और शहर की बत्ती भी जलनी होनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ों से शिक्षकों की रुचि बढ़नी पड़ेगी, तब जाकर जो सबसे ज़रूरी जो मुद्दा है वो शिक्षकों की रुचि है, ऐसा मुझे लगता है। और हम शिक्षकों की रुचि के लिए ये काम कर रहे हैं। थोड़े से उम्र हो गई है, 50 साल, हमारी बात तो नहीं, सहमत हमारे बच्चे अपनी क्लासों में खुद बनाएंगे तब मुझे लगता है मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा। और ये बनाने के लिए क्या लगा, साधारण सी लकड़ी, सिर्फ ये रबर बैंड है, इस तरह की चीज़ों से हमने अपनी लैब में भारत में ये सब चीज़ें बनी हैं। ये पूरा इजाद जो हुआ है, जब काम हुआ है, रबर बैंड से कोई गोंद नहीं लगाया, और बच्चा 1 घंटे में, हर बच्ची ये 1 घंटे में ये जनरेटर खुद बना सकती है। तो काली होती है, अगर थोड़े से ध्यान से यहाँ पर देखें, अंधेरा होता तो बहुत सुंदर दिखती, लेकिन ये रंग बिरंगी परछाइयाँ हैं, ये मेरे हाथ की परछाइयाँ, 8 तरह की परछाइयाँ हैं, 3 रंग हैं लेकिन 8 यहाँ पर आपको रंग दिखाई देंगे, वो रंग दिखेंगे जो इस बत्ती में है नहीं, इसमें सिर्फ 3 रंग हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पीला भी दिखाई देगा, पिंक भी दिखाई देगा जो कि है नहीं, और एक सायन बोलते हैं, तो ये देखिए आपको पीला दिखाई देगा, पीला, हरा, लाल और काला, और ये जब तीनों जल जाते हैं तो सफ़ेद हो जाता है, तीनों रंग मिलकर सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई व्यवधान आता है। अब सवाल ये उठता है, इस तरह के सवाल पूछने बहुत ज़रूरी है, देखा है सब, इसको क्या बोला जाता है, क्या लगता है, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमें शिक्षा में, और वही एनईपी भी यही बात कर रही है कि हमें ऑब्जर्व करना आना पड़ेगा, जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, वातावरण में हो रही है, उसके पीछे इतना सुंदर रोचक गणित और विज्ञान है, उसके ऊपर हमको ये बताया जाता है कि सूरज हमेशा पूरब में निकल के पश्चिम में छुपता है, ऐसा है, कभी किसी ने देखा, उसे नहीं निकलता, कभी भी पश्चिम में नहीं छुपता, सिर्फ 2 दिन होते हैं, बाकी हर दिन पेड़ में सुबह उठिए 6 बजे आप देखेंगे सूरज हमेशा थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, 23 डिग्री तक हिल जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर उधर उत्तर की दिशा में चला जाएगा, एग्जैक्ट
पूरब में साल में सिर्फ दो ही दिन निकलता है और दो ही दिन छुपता है। जब तक हमारे बच्चे ये चीज़ें आसपास की गणित और विज्ञान की चीज़ें देखेंगे नहीं और ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है शिक्षा का बहुत बड़ा जस तक पहुंचाने का ये हमने प्रोग्राम चालू करा था पिछले साल 30-30 STEM, जिसको भारत के 1 करोड़ लोगों ने देखा। पहली बार हिंदी में ये काम हुआ, अन्यथा हमेशा भाषा को लेकर आधी जनसंख्या को हम छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में घट पटाएंगे, आधे बच्चों को समझ नहीं आती, टीचर्स छोड़ के बैठ जाते हैं। हम लोगों ने कहा कि IIT जो कि भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, मेरी पढ़ाई भी वहीं पर हुई, IIT कानपुर में, स्टैनफोर्ड में, मैं अमेरिका में नौकरी करता था। और उसके बाद अभी ले चले यार, ये बताएंगे अभी हमारा प्रोग्राम क्या है। अभी कस्तूरबा एक टूटी हुई बोतल है, एक पाइप है, स्ट्रॉ है और एक गुब्बारा है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत चुंबक नहीं है, कॉयल नहीं है, LED नहीं है। हमने जो सुबह इडली खाई, उससे चुंबक को धक्का मिला, उस धक्के को बिजली में बदल दिया और इडली में ऊर्जा सूरज से आई, तो ये सोलर जनरेटर है, ऐसा भी कह सकते हैं। लुढ़क जाता है, इसको घुमा दें, अरे वाह, बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, बच्चे एकदम घूम। 1000 इस तरह की चीज़ें बना तरीके से, इसको ऐसे रखा तो ऐसे घूमता है और इसको अगर ऐसे कर दें तो उल्टा घूमेगा। ये विज्ञान का सिद्धांत है। मशीन इसी प्रक्रिया पर, JCB, जैक, जो अपन शटर उठाते हैं, सब इसी सिद्धांत। जितना आपका यहाँ बड़ा होगा उतना आपको दम ज्यादा लगाना पड़ेगा, 16 गुना ज्यादा दम लगाएंगे। हम एक उंगली से रोकेंगे आप दवाई, ये कितना ही दवाई है, उसके फोकस ग्रुप में हम हैं। अब ये एक से लेकर आपको बोले कि भाई ये पहले एक मिनट आप सुन रहे हो, नहीं नहीं आप, हम भटक जाते हैं, भटक नहीं। ये ए को अगर ढूंढे, पहले ए लगा दिया, अब बी को ढूंढे तो बहुत समय लग जाएगा, इतना समय नहीं है। आजकल का ज़माना बड़ा फास्ट है, तो हमने क्या करा, एक डंडी ले ली और इस डंडी को इस छेद में डाल दिया, ये उनको आगे रख दिया और ये पहले, फिर दूसरे वाले में डाला, इसको बाहर निकाल दिया। 5 छेद हैं, 2 में कर दिया, 3रे में कर दिया, 4थे में कर देंगे और फिर 5वें में कर देंगे। ये लास्ट वाले में डाल दिया और अब देखिए क्या होता है। हो जाएगा, जन्म ही नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि विवाह हो गया और जन्म नहीं हुआ, क्या करें, उल्टे सीधे पत्ते लगे हैं। आपको क्या करना होगा, ये उठाएंगे, ये क्या है, वो इधर से डालेंगे, जो पत्ते आएंगे उनको उठाकर आगे लगा देंगे और ऐसे अगर आप 6 बार करेंगे, आपकी संक्षिप्त रामायण। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं IIT गांधीनगर में प्रोफेसर हूँ और वहाँ पर एक हम लैब चलाते हैं, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आजकल की पाठ्यक्रम में जो हाथों से काम नहीं होता है, सिर्फ हम रट के एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट बनाए जाएँ, कुछ ऐसे खिलौने बनाए जाएँ, कुछ ऐसे मॉडल्स जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हों, जिसमें साधारण सामान लगे, जिसमें खर्चा ना हो, लेकिन उनको बनाकर, उनको देखकर, उनको समझकर हमारे जो पाठ्यक्रम में रुचि हो, कक्षाएं जीवंत हों और आंखों की चमक जो खो गई है वो वापस लौट आए। इसके साथ हम चाह रहे हैं कि टीचर्स के साथ मिलकर जब ये काम करें, टीचर्स के साथ मिलकर जब ये प्रोग्राम हर क्लास में हर बच्चे खुद करेंगे, तब हमें लगता है कि हमारे जो भी हमारे बड़े बड़े उद्देश्य हैं, मेक इन इंडिया, हमारे बच्चे जब पाठ्यक्रम में रुचि लेंगे, उससे सीखेंगे, तब हमारी कक्षाओं में और तब हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आएगा, उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम कस्तूरबा 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो हैं UP के, उसमें ये प्रोग्राम चालू करा है। आशा है कि अभी तो 70,000 बच्चियाँ जुड़ रही हैं इस प्रोग्राम में और हमें आशा है कि इसी तरह से अगर चला तो यूपी के बाकी स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम, और बहुत ही कम शुल्क से ये प्रोग्राम पहुंच जाता है। IIT गांधीनगर में अकेला ही ऐसी IIT है जहां पर इस तरह की लैब है, हजारों ऐसे खिलौने बनाए हैं। गर्मियों में जब हमने ये प्रोग्राम 30-30 STEM चालू करा था तो हमारे 5 लाख टीचर्स जुड़े, 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1 करोड़ लोगों ने वो प्रोग्राम देखा, क्योंकि हिंदी में आसपास की गणित और विज्ञान को पाठ्यक्रम से जोड़कर उसमें जिंदगी का तड़का लगाया। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अगर वो है, ये है, तो यही है कि टीचर्स इसमें जुड़ें,
क्योंकि एक टीचर 100 लोगों को प्रभावित कर सकता है, एक टीचर 100 बच्चों को प्रेरित कर सकता है। तो टीचर्स के साथ जुड़कर ही ये प्रोग्राम चलता है। हमारे आईआईटी में टीचर्स आते हैं, 50,000 टीचर्स आकर अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितना रिस्पॉन्स मिला बच्चों का? 70,000 बच्चियाँ हर हफ्ते 2 बार जुड़ती हैं। क्लास कितने बजे 4 से 5 होती है, 4 से 5 बोलते हैं पर 5:30 तक चलती है। और ये यूपी की है। दूसरी क्लास जो चल रही है वो स्पार्कल, उसमें करीब 2 लाख बच्चे देश भर से जुड़ते हैं। विवेक जायसवाल, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा गोरखपुर। आप मनीष जैन सर हैं, प्रोफेसर हैं आईआईटी गांधीनगर में। आपका क्यूरियासिटी प्रोग्राम है जिसके तहत अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संचालित है। जनपद गोरखपुर में 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं। यहाँ मार्च से ये ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। हफ्ते में 2 क्लासेज होती हैं। लड़कियाँ बहुत रुचि ले रही हैं क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है, साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को खेल खेल के माध्यम से समझाया है और बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में इसको हम लोग सभी परिषदीय 2500 विद्यालयों में आरंभ करने की योजना बना रहे हैं। अभी आज जिलाधिकारी महोदय निर्देश देंगे, उसके क्रम में हम लोग इसे अपने परिषदीय विद्यालयों में संचालित कराएंगे। इसका लिंक आपके द्वारा प्रेषित किया गया है, उसी लिंक के माध्यम से बच्चे जुड़ रहे हैं।